हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल अपर्णा इंडियन आर्ट एंड ब्लॉग में स्वागत है। तो आप ये देख रहे हैं, हम कुछ मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं। इसमें हमने टोट बैग में आज बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे तो शुरुआत हो चुकी है। इसमें हमने बेसिक फेस की डिज़ाइनिंग ड्रॉ की हुई है और उसकी आउटलाइनिंग अभी कर रहे हैं सफ़ेद कलर से। तो ये हमारा स्लिंग बैग है, तो इसमें हमने पहले वाइट कलर लिया है और वाइट कलर से जो फेस है उसमें हम आउटलाइन कर रहे हैं। आउटलाइन करने के बाद हमने इसमें डबल लाइन करना है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको काफ़ी सारे वीडियो में बनाया है कि डबल लाइन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे उसकी सुंदरता जो होती है खिल जाती है। तो ये देखिए, ये डबल लाइन अभी कर रही हूँ सारे में। मैंने ये 000 का ब्रश लिया है और फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो डबल लाइन का काम था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अभी ये देखेंगे, हमने ऊपर और नीचे दो लाइन बनाया है और उसके बाद जो यू शेप कहेंगे, यू शेप करके मैंने उसमें पूरी फिलिंग की है और पूंछ के एरिया में वहाँ पे कशनी कर रहे हैं। यही पैटर्न हम सारे जितने भी अभी हमने मछली बनाई हुई है सब में हम यही सेम पैटर्न का उपयोग करेंगे। इसके बाद ये जो हमने यू शेप का जो डिज़ाइन बनाया था पूरे मछली की बॉडी में, वहाँ पे हम कशनी का काम कर रहे हैं, मतलब हम सीधी सीधे लाइनें दे रहे हैं। अब इसमें हम जितने भी आँखें हैं वो आँखें बना रहे हैं सबकी। मछलियों के आँखों के लिए हमने राउंड शेप दिया है और उसमें पूरी जो वाइट कलर से हम फिल कर दे रहे हैं। ये जो आईज बनाना था वो कंप्लीट हो गया। अब जो बीच का खाली एरिया था वहाँ पर हम वाइट कलर से ही सर्कल का डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पर, मतलब आप अपने स्पेस के हिसाब से बना सकते हैं डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने 3 सर्कल बनाए हैं। यहाँ हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। जहाँ जहाँ हमें थोड़ा सा बहुत लाइट कलर लग रहा था वहाँ पे बस हम दूसरी लाइन कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा।